गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम का अंजन सो गाइज मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ और इन्होंने क्या किया है पीछे आपको दिखा, दिखा दियो. अब पिछले ब्लॉग में तो आपने देख लिया क्या चल रहा था हमारा और सबसे पहले आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी मजे में हूँ तो यहाँ पर देखो मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ सारा मैं दिखाती हूँ देखो इन्होंने यहाँ पर जुगाड़ किया है और ये कुछ हुआ नहीं उनसे तो देखो ये ऊपर प्लेट आ गई है लाया मॉड्यूलर वो क्या बोलते हैं तो प्लग बट वो प्लेट ऊपर आ गई मतलब उनको वो थोड़ा सा औजार वगैरह नहीं थे हमारे पास इसी वजह से ये वाला जुगाड़ किया है और ये यहाँ पर फिट कर दिया है तो ये तो अच्छा लग रहा है बट ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया जब कारपेंटर भैया आएंगे उनको कुछ काम होगा इधर तो उनको बुला लेंगे और ये सारी चीज़ें उनसे करवा लेंगे तो ये हो गया है अभी मैज़ देखो यहाँ पर मैज़ देखो ये है ये है सारी चीज़ें यहाँ पर निकाल के रखी है उसके बाद जो सब्जियाँ लाई थी वो भी अभी तक ओपन नहीं की है यहाँ पर देखो यहाँ पे ये यह सारी सब्जियाँ उसके बाद ये सारा मेस ये सारा मेस उठाना है और यार क्या करूँ ये रस्क लाए थे ये भी अभी कंटेनर में निकाल के रखने हैं और उसके बाद ये सारा मेस समेटना है चलिए जल्दी से कामों में लग जाते हैं तो यहाँ पर सब्जियाँ सारी वॉश करके रखी है ये पत्ते वाली सब्जियाँ है ये इसे तोड़ना है और फिर अच्छे से थोड़ा सा वॉश करके अच्छे से सुखाने के लिए डालना है तो ये मैंने वॉश कर लिया है ये अभी यहाँ पर जो भी मेस है वो उठा लूँगी यहाँ का अच्छे से रख दिया है अभी का जो ठंडा हो गया है तो ये रख देती हूँ फ्रिज में तो गाइज इन्हें परोस के दे दिया है ये खाना खा रहा है एक्चुअली हम लोगों ने तो पहले ही खाना खा लिया था और ये ड्यूटी से आए नहीं थे अभी तक तो ड्यूटी से आ गया है और खाना खा के हम लोग जाने वाले हैं बाहर और कहाँ जाने वाले हैं वो भी आपको बता दूंगी बाद में तो ये यहाँ पर सबके नहाने के कपड़े हैं वो मैं डाल दूंगी मशीन में मशीन चला दूँगी उसके बाद बाकी के सारे काम हो जाएंगे और वैसे आप लोग बोल रहे हो कि आदि टूर शेयर करो तो टूर शेयर करने के लिए आपको भी पता है डियर मैं अकेली हूँ और उसमें मतलब अभी आ, इनकी भी ड्यूटी चल रही है तो इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है मुझसे अकेली से इसी वजह से इनकी जिस दिन ड्यूटी नहीं रहेगी उस दिन का वेट कर रही हूँ और जिस इनका ऑफ होगा ये मेरी हेल्प कर देंगे उस दिन और फिर हम लोग अच्छे से क्लीन कर लेंगे क्योंकि आपको भी पता है इतनी बारीक धूल बैठी है और वो एक एक चीज़ मुझे क्लीन करनी पड़ रही है तो गाइज़ हम लोग जा रहे हैं कुछ काम से बाहर एक्चुअली मुझे कुछ लेना है वो तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा जो घर पे आने के बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ तो अभी वो लेने का कब से सोच रही थी बट इनका निकलना नहीं हो रहा था और मेरा भी निकलना नहीं हो रहा था काम काम चल रहे थे इसी वजह से तो चलिए अभी जाके आ जाती हूँ और वो चीज़ लेके आ जाती हूँ घर पे आ गए हम लोग और आपको दिखाती हूँ क्या लाया है हम लोगों ने तो मतलब मैंने आ, वो जो क्या बोलते हैं प्लांटर्स बनाने के लिए लाई है और कुछ सामान भी लाया है तो दिखाती आपको बैक कैमरा से ये देखो ये लाई है मैंने रस्सिया हम लोग कुछ लेके भी नहीं गए थे तो उन्होंने ये थैली दी है ये रस्सिया लाई है प्लांटर बनाने के लिए कुछ डी आई वाई करूंगी तो आपके साथ वो शेयर करने ही वाली हूँ ये देखो ये लाया है एक ऐसी हार बनाने के लिए धागा और उसके बाद इसके अंदर है कुछ ये मौली है और ये है ये सारा कुछ ये तो जाएगा मंदिर में मेरे मतलब मंदिर के ड्रॉर में और उसके बाद ये इसका मैं प्लांटर बनाने वाली हूँ तो वो कैसे बनाने वाली हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ थोड़ी देर के बाद यहाँ पर माही बना रही है उसके पापा के लिए चाय तो ये चाय पी लेंगे और उसके बाद मुझे प्लांटर बनाने में हेल्प करेंगे क्योंकि वो वहाँ से पाम का ट्री लाना है मैं आपको दिखाती हूँ देखो गाइज ये जो पाम के ट्री है इसमें से ये बड़ा वाला तो नहीं चाहिए मुझे ये छोटा वाला चाहिए तो इसमें से जो भी सूखे पत्ते हैं वो काट लेंगे वॉट है इसको करेंगे हम लोग डेकोरेट तो ये जो पाम का प्लांट है छोटा वाला मतलब छोटा मीस थोड़ा छोटा ही है जो बड़ा वाला है उससे और इसी को हम लोग डेकोरेट करने वाला है इसी पॉट को और ये जो पॉट है आप देख सकते हो अभी इसका कलर कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है और ये जो प्लांट है अभी इसके जो पत्ते हैं आपने देखे हुए हैं काले काले पत्ते उसे ही मैं काट रही हूँ ये सारे पत्ते काट लूँगी और नया सा दिखेगा ये प्लांट पूरा और ऐसे काले पत्ते हो जाते हैं धूप की वजह से वगैरह तो वो काट लेने होते हैं हमें बार बार तो ये बाहर रहता था और इसी वजह से काम भी चल रहे थे तो हमारा ध्यान नहीं दे पाना हुआ इस चक्कर में और यहाँ पर मैं ना पूरा क्लीन कर रही हूँ वो पॉट और धूप की वजह से आप देखो इसका कलर कितना ज़्यादा डल हो गया है तो इसी को हम लोग अभी डेकोरेट करने वाला है क्योंकि ये जो प्लांट है मुझे अंदर रखना है मतलब घर के अंदर तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा ये पॉट वॉट पूरा निकालने से अच्छा है ये पॉट ही अच्छे से डेकोरेट हो जाए और आजकल ना जूट के प्लांटर्स की फैशन चल रही है तो मैंने सोचा कि जूट का प्लांटर्स बनाओ उसके अंदर ये वाला रखो और इतना बड़ा प्लांटर्स के लिए कुछ है भी नहीं मेरे पास कि उसके ऊपर मैं प्लांटर बनाऊँ तो मैंने सोचा इसी को कर लेते हैं कुछ ना कुछ तो जो भी रिजल्ट होगा वो आप बाद में देख लेना अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप भी घर पे बनाना तो मेरे जो मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है ऐसा कुछ तो इसी वजह से मुझे जो तकलीफ हुई है मुझे जो परेशानी हुई है वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी तो मैंने सबसे पहले फेविकॉल लिया है और फेविकॉल लगा रही हूँ तो मुझे कैसा बनाना है वो मेरे दिमाग में है आइडिया कि मैं कैसा बनाने वाली हूँ अब तो उसका रिजल्ट बाद में देख ही लेना कि कैसे होने वाला है तो मैंने सोचा कि ऐसे लगाती हूँ बट उसका प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ग्लू जल्दी चिपकता नहीं है ये जो फेविकॉल है जल्दी चिपकता नहीं है और दूसरी चीज़ मैं यूज़ करती तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता इसीलिए मैंने दूसरी चीज कोई यूज नहीं की ये देखा तो ये हो नहीं रहा था उसके बाद ये आए ये इनका दिमाग लगाया इन्होंने डांस कितना अजीब कर रहा है वो तो गाइज यहाँ पर हम लोग बैठे हैं अभी मुझे लग रहा है कि ये जो प्लान है वो सक्सेस नहीं होने वाला है ग्लू गन के बिना क्योंकि ऐसे करते रहे ना तो बीस दिन लगने वाले हैं हम एक, एक प्लांटर एक बनाने के लिए क्योंकि एक लेयर लगाएंगे फिर उसके बाद सूखने देंगे उसके बाद वो पट्टियाँ निकालेंगे दूसरी लेयर लगाएंगे दूसरी लेयर सूखने देंगे फिर पट्टिया लगाएंगे ऐसे कर करके करके -कर बीस दिन लगने वाले हैं तो इसी वजह से, से हमने सोचा कि इसी वजह से हमने सोचा कि ये ग्लू गन से ही करते हैं देखते हैं अभी ये प्लान कैसे सक्सेस होता है या नहीं होता है अभी इतने कामों में मुझे ये वाला काम सूझ रहा है क्योंकि पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आइडिया है कि ये करे थे अरे अद्विक मेरे आंखों में चला जाएगा वो तो देखती हूँ ट्राई करके आगे ग्लूगन से ट्राई करेंगे फिर पता चलेगा मैं आपके साथ शेयर तो करती हूँ कैसा भी हो मतलब जो भी इसमें हुआ है मामा, मतलब, ये किस लिए है? लिए धूप के हमें गर्मी गर्मी नहीं ठंडी नहीं लग, आग नहीं चाहिए मतलब ठंडी <laughs> नहीं आग नहीं गर्मी नहीं <laughs> क्या क्या आदमी लगनी चाहिए अरे हमें धूप नहीं लगनी चाहिए हमें धूप नहीं लगनी चाहिए इसलिए ऐसे पकड़ना और धूप नहीं आएगी तो चलो भाई ये सक्सेस करते हैं अपना प्लान जो भी होता है आपके साथ शेयर करती हूँ मतलब सक्सेस हुआ या नहीं हुआ वो भी आपके साथ शेयर करूंगी तो गाइज़ ये आने के बाद इन्होंने निकाला ग्लू गन और अपना आइडिया लगाया अपना, अपना दिमाग लगाया तो अपना दिमाग लगाने के बाद देखो इन्होंने क्या किया इन इनको लगा कि मैं तो जैसे कर रही हूँ जैसे टेप लगा रही हूँ वो तो सक्सेस नहीं हो रहा है तो छोटी छोटी जगह पे ये लगाएंगे ग्लू गन से चिपकाएंगे और फिर लपेटेंगे तो so, वो भी प्लान सक्सेस नहीं हो पाया आपको बता रही हूँ वो भी प्लान बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाया थोड़ा सा एक राउंड उन्होंने लपेटा था उसके बाद वो जैसे ही छोड़ते हैं वैसे ही निकल जाता था तो हम लोगों ने क्या किया सिर्फ एंड पे ग्लू गन और जो अपना ये है ग्लू है क्या बोलते हैं उसे फेविकॉल वो फेविकॉल एंड पे ही लगाया और फिर लपेटना स्टार्ट किया हम लोगों ने क्योंकि ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था और जो स्टिक है गन की वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती और प्लान भी सक्सेस नहीं होता इसी वजह से हम लोगों ने और वो दिखता भी और उसमें गैप देखो कितनी ज़्यादा दिख रही थी तो इसीलिए हम लोगों ने लपेटना स्टार्ट किया सिर्फ ऐसे ही मतलब तो कुछ भी नहीं किया सिर्फ एंड को ही हम लोगों ने स्टिक किया और उसके बाद लपेटना स्टार्ट किया इसे तो इसको दो जाने चाहिए एक से तो काम होता ही नहीं है और उसमें माही भी लग गई थी हमें हेल्प करने के लिए क्योंकि रस्सी वो छोड़ रही थी उधर से रस्सी जैसे कि अभी देखो रस्सी में थोड़े से गाँठे पड़ रही थी तो रस्सी वो छोड़ रही थी उधर से और उसके बाद हम लोग मैं यहाँ पर पकड़ के रख रही थी नहीं तो छोड़ती तो पूरा लूज हो जाता और ये लपेट रहे थे तो ऐसे करके हम लोगों ने सब ने काम करना स्टार्ट कर दिया और ये मेरा आइडिया था कि मैं ये प्लांटर बनाऊँ और दिमाग मतलब आइडिया मेरा बट मेहनत तीनों की लग गई इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस कि आपको क्या बताओ कुछ भी डीआईवाई करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है हम लोगों की मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दो और अगर आपको पसंद आए तो आप घर पे ज़रूर बनाना क्योंकि इतना सुंदर लग रहा है ना आपको क्या ही बताऊँ मतलब इतना कैमरा में तो कैप्चर नहीं हो पाया बट रियल में इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है मैं उसे कहाँ पे रखने वाली हूँ वो आपके साथ बाद में शेयर करूंगी बट अभी आप प्लांटर देख लो कैसे बनने वाला है और उधर अधविक भी ज़्यादा के काम कर रहा है हमने ऐसे ही छोड़ दिया था उसे अभी अपना काम करते रहो अद्विक और हम अपना काम करते रहेंगे और जब रिजल्ट देखा ना इसका फाइनल रिजल्ट तो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है तो थोड़ा सा दिल को सुकून मिल गया कि चलो यार जो मेहनत हम लोगों ने की है ये भी बोल रहे थे कि जो हम लोगों ने मेहनत की है उसका फल मिल गया और ऐसे हम लोगों ने जो रस्सियाँ लाई है ना दो प्लांटर्स के लिए लाई है तो इसी वजह से मैंने मतलब पहले ही रस्सियाँ दो प्लांटर्स के लिए लाई थी थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लाई ली थी तो इसी वजह से हम लोग ऐसे दो प्लांटर्स बनाने वाले हैं तो एक उधर रहेगा क्या बोलते हैं पोर्च में रहेगा और एक यहाँ पर अंदर रहेगा तो अंदर का तो आप देख ही लेना बाद में पोर्च का जब बनाएंगे ना वो थोड़ा सा आइडिया दूसरी लगाएंगे अभी तो हमें पता चल गया कि कैसे बनाना होता है तो दूसरे आइडिया लगा के फिर वो बनाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करूँगी ही बाद में जब बनाऊँगी तब बट ये अभी फ़िलहाल आप देख लीजिए इतने इतना टाइम लगा है उसे अभी मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड इसीलिए लिए कर दिया है कि ये आधे घंटे की क्लिप थी आपको लगेगा भी नहीं मतलब इतना ज़्यादा टाइम लग गया है इसे और टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है बट जब फाइनल रिज़ल्ट देखने के लिए मिलता है ना तब दिल को सुकून मिल जाता है और इसके बाद रस्सी हमें लगानी है येलो कलर की तो यहाँ पर येलो कलर की आपको जो जैसे कि मैंने बताया कि एन हम लोगों ने चिपकाया था सिर्फ बाकी कुछ भी नहीं ऐसे लपेटा था तो सिर्फ एन चिपकाने के लिए हमें यहाँ पर एन चिपका रहा है हम लोग ये वाइट रस्सी को येलो रस्सी और उसके बाद यहाँ पर देखो इस तरह से हम लोग इसे लपेटेंगे बस यहाँ पर इसे लपेटना स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने और येलो और ये वाइट और उसके बाद वो जूट वाली आएगी तो गई काफी देर से हम लोग बैठे थे इस चीज के लिए और फाइनली आधा हो गया मतलब आधे से ज्यादा हो गया आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से आधे से ज्यादा हो गया तसल्ली मिल रही है यार और जोर बहुत ज्यादा लगता है इसे और कैसे कैसे किया क्या क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर के बाद बट जो दूसरी रस्सी है तीसरी रस्सी सॉरी तीसरी लग, रस्सी लगाना बाकी है दो दो कलर की रस्सी लग गई है तो बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको लग रहा है। को क्या मुझे भी पसंद आ गया ये देखो ये yeah, wow. ये हो गया सक्सेस लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर लगाना है हाँ मेहनत बहुत, बहुत लगी यार इसके लिए पापड़, ओ, बेलने पड़े। पापड़ बहुत ज़्यादा बेलने पड़े इसके लिए चलो कोई बात नहीं हो जाएगा अभी बस अभी लास्ट वाली रस्सी लगानी है और जो हमने लाई है बहुत बड़ी क्योंकि हमें उस साइज़ की मिली नहीं जो हमें येलो और वाइट रस्सी की साइज़ है उस साइज़ की मिली नहीं तो हमने बड़ी लाई तो उसको ना हमें खोलना है देखो यहाँ पर ये बड़ी वाली रस्सी है मोटी वाली तो इसे हम लोग खोल रहे हैं और उसे लगाएंगे फिर उसकी साइज़ की बन गई ये वो खोलने के बाद और इसे लगाएंगे अब और इतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा ना बाद में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है और यहाँ पर जब रस्सी खोल रहे थे तब हमें पता चला कि ये रस्सी ज़्यादा नहीं लगी लग है क्योंकि ऑलरेडी ये मोटी रस्सी है और हमने लोगों ने खोला तब ये ज़्यादा रस्सी नहीं लगी बट इसकी वजह से उसका लुक और भी ज़्यादा बढ़ गया है अभी ये वाली रस्सी इस तरह से चिपकाएंगे सिर्फ इसे थोड़ा सा खोलना पड़ रहा है क्योंकि ये थोड़ी सी लपेटी हुई थी ना तो इसी वजह से राउंड राउंड हो गई थी पहले ही तो इस तरह से ओपन करके इसे बस इस तरह से लपेटना हो रहा है और लपेटेंगे नीचे तक जो नीचे का हिस्सा है मतलब जहाँ से कट है वहाँ पर नहीं, नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ तक नहीं लग रहा था बट जहाँ तक वो कट है वहाँ तक लग रहा था तो अभी ये लपेटने के बाद आप देख लेना फाइनल रिजल्ट मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसा आया है आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है तो यहाँ पर देखो हम लोग फूल बना रहे थे तो ये जो भी मतलब रस्सियाँ हम लोगों ने काटी थी जिसमें से बचा हुआ था तो उसके ही हम लोग फूल बना रहे हैं एक फूल फूल एक मैं, मैंने माही को बना के दिखाया फिर वही बना रही है उसको बहुत ज्यादा शौक है इन सारी चीजों का तो गाइज दोपहर से शाम हो गई है और अभी तक प्लांटर हमारा रेडी नहीं हुआ है वैसे तो हमने वैसा नहीं बनाया नहीं तो उसको दो दिन लगते जैसे सिर्फ थैली वाला जो होता है ना उसको दो दिन लगते हैं बट हम लोगों ने इसको चिपकाने वाला बनाया है और ये जो दो रस्सियां लाई थी मैंने मतलब दो क्या तीन रसिया लाई थी वो जो रसिया है मैंने दो प्लांटर के लिए लाई थी मतलब आ, मुझे लगा था कि मैं ये दो प्लांटर के लिए हो जाएगी बट हो भी रही है दो प्लांटर के लिए अब इसका फाइनल रिजल्ट आ, आना बाकी है तो वो जो राउंड सर्कल जो मैंने एक बना के दिया था माही ने दो बना लिया है सर्कल और उसके आ, मतलब आजू बाजू में मैंने बीच वाले में थोड़ा सा वो पंकुड़े जैसा बनाने के लिए माही को बुलाया है तो वो माही कर रही है अभी मैं तो नहीं 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 स्टेपलर से अरे होता है लेकिन थोड़ी देर के बाद स्टिक होता वो होने तो उसे स्टिक हो जाएगा हो जाएगा तो और हाँ बारिश भी हो रही है अच्छा मौसम हो गया है मुझे अच्छा लग रहा है अभी तो क्योंकि दोपहर से हम लोग लगे हैं ना थक गई हूँ देखती हूँ चाय बनाने का मन कर रहा है चाय पीने का मन कर रहा है बट हाँ देख माई हाँ 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 देखो ये भी ये भी ये भी हाँ 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 तो हाँ? साथ साथ ने भी ना 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 किस किसके लिए कॉफी किसके लिए आपके के लिए 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 और के मेरे अरे बाप रे बाप अरे ये क्या है यार ये अद्विक नो हाँ ये लेने गए हैं नॉन वेज तो वो लेके आएंगे पता नहीं क्या लाएंगे अभी मैं तो आपको पता ही मीट नहीं खाती हूँ मटन तो और नहीं चलता है मुझे नहीं होता है उसकी स्मेल ही पसंद नहीं है या वो खाती ही नहीं हूँ मैं कभी भी तो मैं चिकन खाती हूँ तो पता नहीं अभी क्या लाएंगे चिकन लाएंगे तो ठीक है नहीं तो फिर सुबह की दाल पालक बची है वो हम लोग खा लेंगे और उनके लिए वही मीट बनाएंगे मैं तो नहीं बनाती हूँ तो चलो फिर अभी ये कर लेते हैं कंप्लीट अपना काम और बारिश दिखाती हूँ आपको बाहर की कितनी ज्यादा अच्छी हो रही है देखो। ये देखो जबरदस्त वाली बारिश हो रही है हाँ मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो गया ये देखो नाटक है डेली का ही नाटक हो गया अब इसका बारिश में आहा 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 चलो अंदर अंदर चलो आदवी भीगना नहीं चलो अंदर नहीं हाँ अच्छे मतलब ज्यादा तेज भी नहीं हो रही है और ज्यादा हल्की हल्की भी नहीं हो रही है मीडियम बारिश हो रही है चलो फिर अंदर ओ लाइट लगा दिए मैंने सारे इस तरह से इसकी पंकोड़िया बना रही हूँ मैं आपको देखने के लिए मिली जाएगा मैं कैसे बना रही हूँ तो यहाँ पर इसके एन को मैं पहले ग्लू लगा के थोड़ा सा उसको सूखने दे रही हूँ और उसके बाद वो पंकोड़िया मैं इसमें डिप करके वो ऐसे लगा रही हूँ तो ये जल्दी नहीं चिपक रही है फिर भी थोड़ा सा मैं कसरत करके लगा ही रही हूँ उसे ऐसे कर करके कर 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 करके लगाना पड़ रहा है तो देखो कितना ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है ना इस प्लांटर का तो मतलब पास से तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है जैसे हम लोग रियल में देख रहे हैं तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है बट आपको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपको अगर ट्राई करना है तो ये वाला प्लांटर आप बना सकते हो घर में डी कर सकते हो और अपने घर को अच्छे से सजा सकते खरीद के तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें ला सकते हैं बट जब हम लोग अपने हाथों से बनाते हैं ना तब हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसको देख देख के और यहाँ पर जो ऊपर का हिस्सा था उसे मैं पेंट कर रही हूँ एक्चुअली ये पेंट था मेरे घर पे जो हम लोगों ने एंगल को पेंट करने के लिए लाया था ऑफ वाइट तो वही मैं इसे पेंट कर रही हूँ नीचे से भी पेंट करना पड़ेगा और इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा अभी यहाँ तक आप देख लो क्योंकि इसे सूखने में भी टाइम लगेगा उसके बाद उसका सेकेंड कोट होगा उसके बाद थर्ड कोट होगा मतलब जिस तरह से ये दिखेगा ना तब तक हम लोग कोट करते रहेंगे और अच्छा लग रहा है यार बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो दिल को तसली मिल रही है कि नहीं यहाँ हमने घर पे। बस यहाँ पर आ गई हूँ किचन में क्यों क्योंकि किचन का काम भी करना जरूरी है यहाँ पर किचन में हम मैं ग्रेवी बनाने आई हूँ क्योंकि इन्होंने चिकन फ्राई किया है और मैं आई हूँ ग्रेवी बनाने क्योंकि इनको मेरे ही हाथों से बनी हुई ग्रेवी पसंद है तो बस यहाँ पर मसाला डाल दिया है जो मैं बना के रखती हूँ प्याज और आ, उसका सूखे नारियल का और उसे भूनना पड़ता है प्याज और सूखे नारियल का उसके बाद उसका पेस्ट बनाना पड़ता है और उसके बाद मैं, सबसे पहले मैंने ये डाला है क्या बोलते हैं तो आ, उन, लसुन अदरक का पेस्ट उसके बाद मैंने वो मसाला डाला है अच्छे से भून लिया है और बेसिक से मसाले और मसाला डालूंगी और चिकन मसाला डालूंगी और अच्छे से भून लूँगी और उसके बाद पानी छोड़ दूँगी और हो गई मेरी जो ग्रेवी है चिकन ग्रेवी रेडी उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और इन्होंने जो चिकन फ्राई बना के रखा है वो उसमें छोड़ दूँगी सब कुछ हो गया है खाना वगैरह हो गया है उसके बाद सब कुछ क्लीनिंग वगैरह कर लिया सब कुछ हो गया है तो चलिए मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है और सो जाती हूँ अभी स्किन केयर करके बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में गाय आपसे आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे ना उसके बाजू में जब बेल आइकॉन आता है उसे दबाना मत भूलेगा उसे ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरे सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ और दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक तो आपको पता ही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने चेक जरूर कर लेना वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो बस तो चलिए गाइज बाय बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल बाय ध्यान रखना अपना